वेलकम बैक नाजरीन, एमबीपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं, जहां एनबीपी स्नूकर चैंपियनशिप का ये फाइनल पहुंच चुका है अपने डिसाइडिंग फ्रेम पे। 6-6 से बराबर है ये मैच और ये फ्रेम फैसला करेगा। 13 फ्रेम एसएन रमजान टू ब्रेक फाइनल है। हैंडशेक रेफरी और खिलाड़ियों के दरमियान, 190 से ज़्यादा मैचेस 56 खिलाड़ियों के दरमियान हुए और सारा दारोमदार अब इस एक फ्रेम पे। कौन ले जाएगा ये नेशनल टाइटल डिसाइड करेगा ये फ्रेम, कौन कहलाएगा 2021 नेशनल स्नूकर चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, ये सब डिसाइड होगा इस एक फ्रेम पे नाज़रीन। अब क्योंकि 6 ऑल कर दिया था लास्ट फ्रेम में 121 की शानदार क्लियरेंस के साथ मोहम्मद सज्जाद ने। बिग अटैम्प सज्जाद की जानिब से, क्या क्यू बॉल बचा पाए हैं यहाँ, लगता है पॉटिंग चांस दिया है एहसन रमजान के पास। लेफ्ट ब्लैक कॉर्नर पॉकेट में एक लॉन्ग रेड मौजूद, अच्छा पॉट, क्या क्यू बॉल कंट्रोल कर पाएंगे। लकी रहे ब्लू से कैनन हुआ क्यू बॉल और इस डिसाइडर में पहला मौका एहसन रमजान के पास। He needs to leave a good cue ball on the next black. Six. नेक्स्ट कलर पे अच्छा एंगल चाहिए क्यू बॉल का ताकि डिस्टर्ब कर सके मजीद रेड्स को। एंड ही ट्राइड इट विद द रेड, बहुत अच्छा शॉट एसन की जानिब से, स्क्रू बैक किया फॉलो खेलने के बजाय, मजीद रेड्स को ओपन किया है क्लस्टर से, लेकिन प्लेसमेंट नेक्स्ट रेड की आसान नहीं होगी। क्यू बॉल डेड हुआ है बिहाइंड द ब्लू, लेट्स सी व्हाट ही डज। एक और क्रैकिंग शॉट एहसन रमजान की जानिब से, क्यू बॉल नीड्स टू रन अ लिटिल बिट मोर। 12 10 पॉइंट स्कोर किए अपने पहले विजिट में, पहले मौके में जो मिला था एहसन रमजान को। काफ़ी थिन कट था सज्जाद के लिए, लेकिन क्यू बॉल बॉब कुशन में ले जाने में कामयाब रहे थे और अब मजीद फ्रेम को ओपन कर दिया है एहसन रमजान ने। और अनलकी रहे दोनों खिलाड़ी क्योंकि ब्लैक बॉल द बिगेस्ट कलर राइट नाउ, वो सेव हो चुका है क्योंकि रेड बॉल उसके साथ जुड़ चुकी है, इट्स नॉट पॉटेबल इन एनी पोजिशन। And here Sajjad saved by the bell, saved by the brown. लगता नहीं कि सेंटर पे मौजूद रेड पॉटेबल पोजीशन पे है एहसन रमजान के लिए। एक अच्छा शॉट खेलना होगा एहसन को यहाँ। Will he go for the pot or will he find a good safety spot for him? What a cracker नाजरीन, बेहतरीन पॉट यहाँ पे एहसन रमजान की जानिब से, प्रेशर शॉट था बहुत,
इस मौके पे डिसाइडिंग फ्रेम में इतना शानदार शॉट, ही डिजर्व अ गुड ब्रेक हियर, कंपोजिंग हिमसेल्फ फॉर द नेक्स्ट शॉट. अच्छे रिदम में एहसन रमजान कॉन्फिडेंस से भरपूर टेबल पे अपने गेम का इजहार करते हुए, इनकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेम इस वक्त. क्यू बॉल के साथ यकीनन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अपने पॉट के जरिए हर कमी को पूरा करने की कोशिश की है अब तक एहसन रमजान ने. एक बार फिर शॉट उतना ही बेहतरीन, क्यू बॉल प्लेसमेंट से मुतमईन नहीं है, स्ट्रगल कर रहे हैं बार बार, मनचाही प्लेसमेंट हासिल नहीं कर पा रहे. यू कैन पॉट मैनी बॉल्स एज यू वांट बट यू कैन नॉट विन द फ्रेम लाइक दिस. ही नीड्स अ गुड शॉट, गुड प्लेसमेंट वन टाइम. Is the red going? Fluke hua red. किस्मत भी इस वक्त धनी है हसन रमजान पे. That's why we call game favor the bravest. बहुत बड़ी अटैम्प्ट थी हसन के लिए और उससे बड़ा शॉट अब, क्योंकि अगर यहाँ पिंग बॉल पॉट करते हैं तो अच्छा क्यू बॉल होल्ड कर सकते हैं. यहाँ क्यू बॉल पोजिशन से ज़्यादा पॉट डिफिकल्ट रहेगा हसन के लिए. Big shot of the big frame. And he misses. मौका दिया था किस्मत ने एसन को, अवेल नहीं कर सके एसन उसे. अपर जॉ पे हिट किया पिंग बॉल को और अब मौका साबिक नेशनल चैंपियन के पास कि इस साल भी नेशनल चैंपियनशिप को अपने नाम किया जा सके. ऑलरेडी इस टूर्नामेंट के ड्रीम रन पे हैं मोहम्मद सज्जाद. मैक्सिमम ब्रेक खेला उन्होंने पाकिस्तान स्नूकर हिस्ट्री में, पहली मर्तबा यह एजाज हासिल हुआ है किसी क्यूइस्ट को टूर्नामेंट लेवल पे. नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल स्टेज में वो ये ब्रेक खेला था, वो मैजिकल नंबर अचीव किया था सज्जाद ने. और अब मौका है एक मैजिकल विक्ट्री का. पूरे फाइनल में ट्रेल करते आए हैं, बराबर किया है कई मकामात पे स्कोर को, और अगर यहाँ लीड करेंगे तो सिर्फ लीड नहीं कर जाएंगे नाजरीन, बल्कि टाइटल क्लिंच करके ले जाएंगे एहसन रमजान के हाथों से. बहुत एहतियात से आगे बढ़ते हुए अपने ब्रेक को लेके मोहम्मद सज्जाद. 14 हर शॉट उन्हें आगे ले जाता है. बहुत ही नाजुक सूरत हाल पे नाजरीन, ये मैच इस वक्त लीड जरूर है एसन के पास, लेकिन स्ट्राइकिंग पोजीशन पे है सज्जाद. पिंग की पोजीशन इस वक्त की मोमेंट बन चुकी है इस फ्रेम में.
एक शॉट सज्जाद को टाइटल दिला भी सकता है और उससे दूर भी ले जा सकता है, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है हर चीज़ इस वक्त इस फ्रेम में। नाजरीन, 11 दिन का मैराथन रन रहा है इस टूर्नामेंट का और ये सब अब इस फ्रेम पे। खूबसूरत शॉट, बेहतरीन कंट्रोल, मोहम्मद सज्जाद अपने ड्रीम रन को कंटिन्यू रखते हुए। दोबारा देखें आप कितना शानदार शॉट खेला, बहुत नैरो एंगल था उनके पास, गलती की बड़ी गुंजाइश थी यहाँ, लेकिन अपनी महारत दिखाते हुए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं आप सज्जाद। Another great pot, खूबसूरत साइड का इस्तेमाल, बहुत मुश्किल था क्यू बॉल को इस वक्त इतना रन करना प्रिंग के लिए इस क्रूशल मोमेंट पे। मोहम्मद सज्जाद हर शॉट के साथ एक कदम बढ़ते हुए नेशनल टाइटल के 28 29 बहुत खूबसूरत गेम खेलते हुए नाजरीन सज्जाद, क्योंकि ब्लैक बॉल मैक्सिमम कलर टाइट है स्टार्ट ऑफ द फ्रेम से, इसीलिए पिंक को टारगेट कर रखा है सज्जाद ने ताकि मैक्सिमम पॉइंट्स स्कोर कर सकें और कम रेड्स पे बड़ा ब्रेक खेल सकें इस फाइनल फ्रेम में। और एक बड़ा अनफोर्स्ड एरर नाजरीन, एक बड़ी जिंदगी मिली है, डिसअपॉइंट जरूर है एसन के, कोई आसान पोर्टेबल बॉल नहीं मिला, लेकिन चांस जो मिला है उन्हें टेबल पे आने का, अगर ये बॉल चला जाता तो शायद वो भी ना मिलता। तो जो इस वक्त सामने है एसन के, उसे बेहतरीन समझते हुए अपना हौसला बुलंद करना होगा एसन को। 12 पॉइंट की बढ़तरी इस फ्रेम में मोहम्मद सज्जाद के पास, 5 रेड बॉल्स की मदद से पॉसिबल 65 पॉइंट्स ऑन बोर्ड हैं अब भी। He needed a good shot and he played one. लेकिन क्यू बॉल मजीद चाहते होंगे कि क्वेश्चन में डेट फिनिश करे, जो कि ना किया, और एक लॉन्ग पॉट जरूर अवेलेबल है। Is he on for the pot?
पूरा टाइम लेते हुए ऐसे कंपोज कर रहे हैं अपने आप को इस बिग शॉट के लिए. दिस कुड बी द फ्रेम टर्निंग पॉइंट. इफ ही गोज इन, एसन गिव्स हिमसेल्फ अ ग्रेट चांस टू बैक इन दिस फाइनल. Big attempt, didn't make it through. और अब cue ball कहाँ finish करता है? Not a possible easy chance for Sajjad. You can see ऊपर लगा जॉ पे, काफी commit किया था इस shot से Ehsan Ramzan ने. सिर्फ 12 पॉइंट की लीड है सज्जाद के पास नाजरीन, जो कुछ भी मैटर नहीं करती इस पॉइंट पे. अगर एहसन को मौका मिला तो पूरी सलाहियत रखते हैं कि यहाँ से फ्रेम और मैच अपने नाम कर सकें. विनिंग प्रेशर से यकीनन दो चार होंगे एहसन रमज़ान, लेकिन हर प्रेशर को बूर करना होगा उन्हें अगर बनना चाहते हैं वो 2021 नेशनल स्नूकर चैम्पियन ऑफ पाकिस्तान. और एक और शानदार स्ट्रोक सज्जाद की जानिब से. अच्छा अप एंड डाउन, क्यू बॉल को पॉप कुशन में जरूर लेकर गए हैं. स्ट्राइक सज्जाद के पास. खूबसूरत थिन कट, अगर जरा सा भी ज्यादा ट्रेवल कराते रेड बॉल को तो कुछ भी अवेलेबल आ सकता था एहसन रमजान के पास. बस सज्जाद के पास इस वक्त खूबसूरत क्यू बॉल कंट्रोल. दैट वॉज द थिंग आई वॉज टॉकिंग अबाउट, कि अगर फुल बॉल हिट हुआ तो पॉकेट की जानिब जरूर ट्रेवल करेगा रेड बॉल. और अब एक बड़ा शॉट मोहम्मद सज्जाद के सामने. मिस्टेट, बड़ा चांस था सज्जाद के पास. क्या मौका मिला है एहसन को? कैन ही सी थ्रू टू द नेक्स्ट रेड? लुक्स लाइक ही कैन, बट दिस वुड बी अ रियली नर्वी वन. अपनी नर्व को बहुत काबू करना होगा एहसन को यहाँ. गुड शॉट. All he needs is a good cue ball and he has it. अच्छा फिनिश किया है cue ball, blue ball center में pot करते हुए. Next red भी place कर सकते हैं, जबकि जो दो red balls top cushion में इस वक्त एक plant की सूरत में है उन्हें भी disturb कर सकते हैं एहसन. He chose the loose ball और अब अगला shot उन्हें यकीनन बहुत एहतियात से place करना होगा. Six. ताकि बाकी मौजूद रेड में से किसी एक रेड को प्लेस कर पाए वो. सेवन. He tried it. माइनर इंचेस से कैनन होने से बचा नाजरीन. देखना होगा क्या प्लांट क्रिएट कर सकते हैं एहसन, या पॉप कुशन में ट्रैवल कराएंगे क्यू बॉल को सेफ्टी पर्पसेस पे. बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे जहां 35 पॉइंट थे सज्जाद के, अब 36 पॉइंट के साथ एक पॉइंट की बढ़तरी एहसन रमजान के पास. लकी रहे यहाँ, क्यू बॉल को डेड करना चाहते थे लेकिन येलो से कांटेक्ट बनने के बाद 30. एक मुश्किल शॉट का सामना अब मोहम्मद सज्जाद को. एक पॉइंट की बढ़तरी इस फाइनल फ्रेम में एहसन रमजान के पास.
जबकि तीन रेड बॉल के साथ 51 पॉइंट ऑन बोर्ड। अच्छा स्नूकर ब्रेक किया और साथ ही साथ सेफ्टी भी 100% रही है शॉट में। मैच इज ऑन नाजरीन। सबसे ज़रूरी मामला होगा ये सेफ्टी बैटल, अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी बैटल रहेगा। ज़रेट पॉटेबल के सेंटर में पॉट अटेम्प्ट ले सकते हैं हसन। बिग शॉट कमिंग अप। ही अटेम्प्टेड इन द टॉप कॉर्नर, मिस किया। क्या सज्जाद को मिलेगा मौका? ही हैव अ लॉन्ग शॉट ऑन द रेड। रिक्वेस्ट की है रेफरी से कि क्यू बॉल को क्लीन कर दें। कोई अनफोर्स एरर का सामना नहीं करना चाहेंगे यकीनी तौर पे मोहम्मद सज्जाद इस नाजुक मौके पे। सिर्फ एक पॉइंट की लीड है हसन के पास। यकीनी तौर पे कलर बॉल्स पे डिसाइड होगा ये डिसाइडिंग फ्रेम। पूरा वक्त लेते हुए मोहम्मद सज्जाद। एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। पे किसी भी किस्म की डिस्टरबेंस क्यूस्ट का मैच और टाइटल कॉस्ट कर सकती है। And he refuses the pot. Confident नहीं थे यकीनन मोहम्मद सज्जाद, इसीलिए उन्होंने स्पॉट को रिफ्यूज किया। सेव करना चाहते थे एसन को और लूज शॉट खेला। पॉटेबल चांस एसन के पास। एंड वॉट अ पॉट, बेहतरीन शॉट एसन की जानिब से। ही नीड्स अ गुड क्यू बॉल हियर। Doesn't get one. Request you to please switch off your mobile phone or place it on the silent mode. Thank you. Blue available ज़रूर है center pocket में, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा अगर खेलते भी हैं blue ball को। Black ball को target करना होगा, बड़ा shot खेलना होगा इस बड़े match के बड़े final frame में। Hasan Ramzan bracing himself to get this difficult time ahead. Chooses the blue, he pots the blue. What a shot! बेहतरीन placement इस मुश्किल मौके पे। शानदार shot एसन रमजान की जानिब से। Six. Lead बढ़ते हुए 7 point की एसन रमजान के पास। Seven.
needs a color, red and color, to seal this frame. Plexin disturb kiya red aur pink ko, lekin asaan portable shot nahi, bahut minus cut khelna hoga agar se attempt karna chahte hain Ehsan Ramzan. And he attempted, लेकिन पूरा नहीं कर सके शॉट को. पॉकेट से नज़दीक आके रुक गया है रेड बॉल. क्या सेव कर दिया है रेड को. Ehsan Ramzan 14. This is the last shot. Ehsan Ramzan played. थोड़ा सा माइनस कट किया उन्होंने और वो ज़रूरी भी था. काफ़ी बड़ा एंगल था इस बॉल को पॉट करने के लिए. तो नाजरीन 15 पॉइंट की बर्तरी है इस फाइनल फ्रेम में Ehsan Ramzan के पास, एक रेड और ब्लैक की मदद से 35 पॉइंट्स ऑन बोर्ड. अब ये फाइनल का सारा दारोमदार इस लास्ट रेड बॉल के थैंक यू साथ. स्पिन करके स्नूकर ब्रेक किया, यकीनन स्पिन इसीलिए अप्रोच किया उन्होंने कि अगर माइनर कट लगता है तो पॉटेबल चांस ज़रूर था. और अब मौका Ehsan के पास, बिगेस्ट शॉट ऑफ हिज लाइफ दिस रेड टू गिव हिमसेल्फ द बेस्ट चांस, द बेस्ट पॉसिबल चांस टू विन दिस टाइटल. सबकी निगाहें इस वक्त Ehsan Ramzan पे. He tried it, but he didn't make it. बहुत नज़दीकी मामला रहा, पॉकेट के बहुत नज़दीक हिट हुआ रेड बॉल. फासला था इस शॉट में, अच्छी कोशिश थी लेकिन अच्छी कोशिश काफ़ी नहीं. आपको बेहतरीन स्नूकर खेलना होगा. और अब मौका मोहम्मद सज्जाद के पास एक मरतबा फिर नेशनल चैम्पियन बनने का. He made the pot और तो सबसे मुश्किल था इस क्लियरेंस में येलो बॉल, जो एक मकाम पे कह सकते हैं हम सेफ था कुशन के साथ, उसको भी डिस्टर्ब कर दिया है. बहुत अच्छा चांस दिया है अपने आप को मोहम्मद सज्जाद ने. He needs all of the remaining six colors to win this title. बहुत शानदार पॉट ग्रीन बॉल की मदद से येलो के लिए होल्ड किया. फाइव कंप्लीट पिंक बॉल तक दरकार रहेगा मोहम्मद सज्जाद को अगर ये टाइटल अपने नाम करना चाहते हैं. वन डाउन, फोर मोर टू गो. सेवन कैन ही डू इट वन अगेन, वंस अगेन ही हैज डन इट मेनी टाइम्स. और मौका फिर उनके सामने, साबिक नेशनल चैंपियन फिर नेशनल चैंपियन बनने के लिए सिर्फ चार शॉट दूर. अच्छा रेस्ट का इस्तेमाल, शायद इसीलिए कहा जाता है ही इज द फाइनेस्ट इन द सर्किट टू यूज द रेस्ट शॉट.
ब्राउन, ब्लू और पिंक मोहम्मद सज्जाद को 46th नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जिता सकती है। अच्छे से लुक लेते हुए कि कहाँ प्लेस करना चाहिए पिंक बॉल। एक अच्छा शॉट नाजरीन। 190 मैचेस, 56 खिलाड़ी, 11 दिन की मेहनत, दिस ऑल कम्स डाउन टू दिस पिंक बॉल। एंड ही मेड इट। मोहम्मद सज्जाद प्रूव्स हिमसेल्फ वंस अगेन। नाजरीन, बेहद कड़े मुकाबले के बाद नेक टू नेक चलते रहे मोहम्मद सज्जाद इस बेस्ट ऑफ 13 पे खेले जाने वाले फाइनल में। हमेशा ट्रेल करते रहे थे इस मैच में, लेकिन जहां लीड किए वहां टाइटल अपने साथ ले चले मोहम्मद सज्जाद। शायद इसीलिए इन्हें फकरे पाकिस्तान कहा जाता है। ये वो शॉट जिसके पॉट करने के बाद मोहम्मद सज्जाद ने 46 नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप में अपना नाम दर्ज कर दिया है। वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स ही हैड, ही मेड द 147, वो मैजिकल नंबर जो पिछले 50 साल से पाकिस्तान स्नूकर सर्किट में हर खिलाड़ी अचीव करना चाहता था, वो भी इस टूर्नामेंट में अचीव किया। ना सिर्फ वो ब्रेक नाजरीन, इस टूर्नामेंट को जीत के एक मिसाल कायम कर दी है मोहम्मद सज्जाद ने। जबकि दूसरी जानब एहसन रमजान की बेहद शानदार कारकर्दगी रही। सिर्फ 16 साल की उम्र में साबिक नेशनल चैंपियन को कड़ा मुकाबला दिया उन्होंने। 6 ऑल की पोजीशन मेंटेन की हुई थी, पूरे मैच में लीड कर रहे थे। ये मैच रमरी में हम आपको बताते हैं, पहला फ्रेम एहसन ने जीता 46-63 से, सज्जाद ने बराबर किया 72-33 से, फिर एहसन जीते 0-68 के स्कोर से, 7-72 के स्कोर से लीड कर गए थे एक पॉइंट पे 4-2 एहसन रमजान। उसके बाद कमबैक दो फ्रेम का सज्जाद का 71-13-14-59 के स्कोर से, फिर एहसन ने बाजी ली 64-24 के स्कोर से, 75-62-180 का ब्रेक खेला था नाजरीन मोहम्मद सज्जाद ने। उसके बाद 103-27, 61-72 और सेकंड 12वें स्कोर में 121 पॉइंट की सेंचुरी खेली थी सज्जाद ने, जहां उन्होंने डिसाइडर फोर्स किया। और इस लास्ट फ्रेम में नाजरीन 50 के मुकाबले में 60 पॉइंट स्कोर करके मोहम्मद सज्जाद बन चुके हैं एनबीपी प्रेजेंट्स 46 नेशनल स्नूकर चैंपियन। यहाँ नाजरीन हम जाएंगे एक ब्रेक पे, कुछ ही देर में हाजिर होंगे इस टूर्नामेंट की प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।